हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है अंडर आर्म वाइटनिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब में कि सर अंडर आर्म वाइटनिंग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं आज आपके पास लेके आया बहुत ही अच्छा अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम। ये अंडर द आर्म्स लगाना है आपको और वहाँ पर ये सारे पिगमेंटेड लीजन जितने एरिया होगा उसको क्लीन करके गोरा कर देगा। मतलब आपके अगर अंडर आर्म्स डार्क हैं तो उनको अगर आपको गोरा करना है तो आप ये क्रीम जरूर लगाइए। ये काम कैसे करती है और डार्क होते क्यों है कि देखो हर किसी के तो डार्क नहीं होते, बट यस बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं और रब करते हैं या कोई केमिकल्स लगाते हैं या वो कराते हैं, क्या होती है वो वैक्सिंग, यस वैक्सिंग ऐसे खर्च करके या हेयर रिमूवल क्रीम लगाते हैं, उससे क्या होता है वहाँ पे फ्रिक्शनल पिगमेंट बन जाते हैं। अंडर आर्म की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और डिफरेंट होती है हमारी बाकी बॉडी स्किन से, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पे, और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल फंगल, बिकॉज वहाँ पे आपके स्वेट बहुत रहता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और गर्मियों में अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको स्वेट बहुत ज़्यादा आएगा, स्मेल आएगी, बदबू आएगी, तो इन सबसे और जब वो आएगी और आप उसको क्लीन करेंगे, नहाएंगे और टॉवल से रगड़ रगड़ के साफ करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा पिगमेंटेशन बनने लगते हैं। तो हमेशा अवॉइड करिए कोई भी ऐसे डिओड्रेंट, स्पेशली डिओड्रेंट से ब्लैक होते हैं अंडर आर्म्स, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो जस्ट लगाए जाते हैं, खुशबू तो आ रही होती है, वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं, जस्ट लाइक लिपस्टिक अगर आप लगाते हैं तो आपके लिप ब्लैक हो जाते हैं, इसी में जब डिओड्रेंट लगाते हैं तो आपके अंडर आर्म भी ब्लैक हो जाते हैं। खैर मेरे तो नहीं है ब्लैक, मेरे तो क्लीन है। मैंने ये क्रीम लगाई भी नहीं है, दिस अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम मैंने अप्लाई नहीं करी है, बट ये मैंने 3-4 पेशेंट को दी थी, मेरे क्लाइंट्स को दी थी और उनको रिजल्ट बहुत अच्छा है। विद इन 10 डेज उनको फर्क आ गया अंडर आर्म्स में, 30-40% साफ हो गए उनके अंडर आर्म्स। बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक्टर हैं जिनको एक्सपोज करना पड़ता है, पार्ट उनको क्रीम लगानी पड़ती है, उनको रिमूव करने पड़ते हैं, हेयर रिमूव करने के लिए वो वैक्सिंग कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे मॉडल एक्टर हैं जिनको उनका वर्क रिलेटेड होता है और उनको बॉडी पार्ट एक्सपोज करना पड़ता है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ये सब चीज़ें लगा के उनको डार्क हो जाता है और फिर जब उनको किसी कॉम्पिटिशन उतरना होता है उनको बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज वो वहाँ पर एकदम काला काला गंदा सा दिखता है, मूवी में शूट कर रहे होते हैं तो उनको ब्लैक ब्लैक दिखता है तो वो एक्सपोज नहीं कर पाते। तो उस केस में अगर आपके साथ भी आप भी कोई एक्टर हैं, मॉडल हैं या कोई आपका भी कोई वर्क होता है ऐसे रिलेटेड है कि जिसमें आपको एक्सपोज करना पड़ता है या आपको अपने अंडर आर्म्स पसंद नहीं है ब्लैक, तो आप ये अंडर आर्म व्हाइटनिंग क्रीम इसको डेली नाइट में अप्लाई करिए। ये एक क्रीम आपकी चलेगी अराउंड 2-3 महीने चलेगी, क्योंकि थोड़ी सी लगानी पड़ती है, डेली नाइट में लगा के क्लीन करने के बाद इसको डेली नाइट में लगा के मसाज करके और सो जाने का मॉर्निंग में उठने का और क्लीन नॉर्मल पानी से वॉश कर लेने का। हमेशा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें ताकि स्वेट ज़्यादा ना निकले और बदबू ना आए। देखो आप जो जिनको ज़्यादा अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो स्वेट में भी स्मेल आती है, तो मैं ये नहीं बोलूँ कि आपकी आती होगी, बट बहुत से लोग हैं जिनकी आती है, तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत जो भी हो रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी, आपके स्वेट में स्मेल भी नहीं आएगी और दूसरी बात आपके अंडर आर्म्स गोरे गोरे हो जाएंगे, गोरे गोरे जो काले थे वो गोरे हो जाएंगे। तो खैर मेरे तो ऐसे कुछ डार्क है नहीं, तो मैंने यूज़ भी नहीं किया इसको, अगर इन फ्यूचर कभी मैं प्रिकॉशन ज़्यादा नहीं ले पाया और मुझे हुए तो मैं ज़रूर लगाऊंगा, बट अगर अभी आपके इश्यूज़ हैं तो आप इसको जाइए www.lesscomic.com पे, वहाँ पे जाके इसको 3000 की क्रीम आती है, इसको जाके परचेस कर लो। आई नो ये थोड़ी महंगी क्रीम है, अब आप बोलोगे इतनी महंगी क्रीम, हमारे अंडर आर्म्स काले अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको बस प्रिकॉशन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप क्रीम लगाएं, आप थोड़े प्रिकॉशन लेंगे तो भी साफ हो जाएंगे, आपको लाइट हो जाएंगे, आप थोड़े प्रिकॉशन लाइक आप वहाँ पे डिओड्रेंट ना लगाएं ज़्यादा, आप रब ना करें उस एरिया को, अंडर आर्म्स को आपके रब ना करें, आप कोशिश करें वहाँ फंगल इन्फेक्शन ना हो। देखो जितनी बार फंगल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होगा वो पिगमेंट छोड़ के जाएगा, तो बहुत सारे लोग जब हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, गंदे रहते हैं, नहाते धोते नहीं है, तो उनके वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है, उसके कारण वहाँ पे पिगमेंट होने लगती है। ये लॉन्ग टर्म में होता है, ऐसा नहीं कि आज हुआ, ये बचपन से जो चला रहा तो होता है ना, ये उसके कारण होता है। तो आप थोड़ा रगड़ो मत, वैक्सिंग मत कराओ, वैक्सिंग में भी आपको वहाँ पे स्किन में इश्यूज होता है, डैमेज होती है, तो वो पिगमेंट बनाती है, तो थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेना है। और अगर आपने ऑलरेडी बन चुके हैं, डार्क आ चुके हैं, डार्क हो चुके हैं, तो ये क्रीम आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। हम हर कोई क्रीम नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज कोई भी स्किन लाइटिंग क्रीम आप लगाओगे तो वहाँ पे ये स्किन हमारी सेंसिटिव होती है, अंडर आर्म्स की स्किन आप देखोगे सेंसिटिव होती है, नॉर्मल स्किन से डिफरेंट होती है, तो
आप जब भी कोई भी ऐसी इधर उधर की स्किन लाइटिंग क्रीम लगाएंगे तो वो स्किन को और डैमेज कर देगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ मत करिएगा, डैमेज करे, वो डैमेज अगर करती है तो फर्दर और ज़्यादा पिगमेंट बनाएगी। तो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ काम करिए। अगर आपके नहीं है, अगर आपके अंडरआर्म्स डार्क नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बस प्रिकॉशन लेना है, रगड़ना नहीं ज़्यादा जोर से, कोई भी गर्म चीज़ मत लगाइएगा। मैं आपको बता दूँ, अंडरआर्म्स में अगर आप गर्म गर्म वैक्स लगाएंगे तो भी बर्न हो जाएगा और वहाँ पर डार्क हो जाएगा। ये सब लॉन्ग टर्म में होती हैं चीज़ें, धीरे धीरे एक्युमुलेट होती हैं, डैमेज आज करेंगे, रिजल्ट उसका पिगमेंट वहाँ पर बनेगा 1.5 महीने 2 महीने बाद। तो थोड़ा प्रिकॉशन करिए, और अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले पाए, आपके पिगमेंट बन चुके हैं, तो ये क्रीम आपके अंडरआर्म्स को कोरा कोरा कर देगी। इसको चाहिए www.lescomic.com में, मैं जाके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाइए परचेस कर लीजिए और इसको लगा के मुझे मैसेज बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा आया। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मतलब आइए मेरे से बात करिए, कोई भी इशूज़ है आपको मेरी फोटो में कमेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि मैसेज में बहुत कम देख पाता हूँ, कमेंट में फट से दिख जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कृपया कर कोई भी इश्यूज़ है पूरा एक मैसेज में, बड़ा सा मैसेज विथ योर क्लियर फोटो मुझे भेजना। हाय डॉक्टर, कैसे हो डॉक्टर, मुझे कुछ पूछना है डॉक्टर, नहीं मैं एक बार रिप्लाई कर दूंगा, बिकॉज वहाँ पे 500,000 मैसेज डेली आते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी बात करनी है, अपना कोई भी इशू मुझे बताना है, मैसेज करना है, आप मुझे मैसेज में पूरा मैसेज इकट्ठा पूरा बना के विद कोई भी इशू वाली फोटो, जिस पार्ट में आपका इशू है, आपको एक्ने आ रहे हैं, तो प्रॉपर क्लियर फोटो के साथ मुझे भेजिएगा, तो मैं आपको एक बार में मैसेज कर रिप्लाई कर दूंगा। प्लीज़ मैं हाय हेलो आपसे हम लोग करते रहेंगे, बट बिकॉज बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करना पड़ता है, और जब आपको अर्जेंट है तो वो मैसेज करने के बाद मुझे मेरी किसी भी फोटो में जाके, वीडियो में जाके कमेंट छोड़ देना, कमेंट में बहुत जल्दी दिख जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज तो इतने हैं सारे होते हैं कि वो एकदम नीचे नीचे जाते जाते हैं, तो मैं फट से मैं रिप्लाई कर नहीं पाता, तो सॉरी। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा छोटी सी चीज़ है जिसको आपको थोड़ा माइंड रखना है, पूरा एक साथ मैसेज कर रहे हैं, छोटे छोटे हाय हेलो मत करिएगा मेरे साथ, प्लीज़ मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। बहुत सारे को तो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि जो मैसेज कर रहे हैं प्रॉब्लम, मैं उनको पहले रिप्लाई करता हूँ, तो आई एम सो सॉरी अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा ये मत सोचिएगा कि मेरे को ईगो है या कुछ है, लोग बोल देते हैं उसमें, मेरे को मैसेज भी करते हैं कि एरोगेंट है या कुछ है, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, बट बिकॉज इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम होती, मैं उनको सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाता हूँ। तो खैर मैंने बहुत कुछ बता दिया है, और तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, उसके बाद हम बाकी इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे आपके साथ, आपकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड। और इसको चाहिए www.lescomic.com पे जाके लगा लो इंटीमेटेरिया को, कोरा कर लो अगर आपका काला है तो।